हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कार मेनिया 4x4 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं मारुति विटारा ब्रेज़ा BS6 का VXI वेरिएंट। चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह प्राइजेस से स्टार्ट करेंगे। तो नई विटारा ब्रेज़ा के जो प्राइजेज हैं वो कुछ इस तरह हैं। 7.34 लाख से लेकर 11.40 लाख एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। वहीं बात करें VXI वेरिएंट की तो उसकी आपको 8.35 लाख देने पड़ेंगे। बात करें वेरिएंट्स की तो 9 वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं पेट्रोल इंजन की इसके, तो K15 टाइप का आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 1462 cc यानी कि 1462 cc का आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। 103.2 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। वहीं बात करें टॉर्क की तो 138 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा नई ब्रेज़ा में। माइलेज की बात कर लेते हैं तो 17.3 kmpl का माइलेज ARAI सर्टिफाइड कंपनी क्लेम करती है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या देती है वो तो अभी गाड़ी के यूज़र रिव्यूज़ के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हमारे अंदाजन के हिसाब से 12 से 13 का एवरेज नई विटारा ब्रेज़ा देगी। 48 लीटर का बड़ा टैंक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फ्रंट व्हील ड्राइव में ही आपको ब्रेज़ा देखने को मिलेगी। 5-स्पीड मैनुअल और AMT दोनों में ही ब्रेज़ा अवेलेबल कराई जा रही है। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉयल स्प्रिंग्स और रियर टॉर्जन बीम विद कॉयल स्प्रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। नई ब्रेज़ा के टर्निंग रेडियस की बात करें तो 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस आपको ब्रेज़ा का देखने को मिलेगा। डायमेंशंस की बात करें तो 3995 लेंथ आपको मिल जाएगी, 1790 mm विड्थ आपको मिल जाएगी, 1640 आपको हाइट देखने को मिलेगी। वहीं व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm का व्हील बेस आपको ब्रेज़ा में मिलेगा। साइड की बात करें तो आपको साइड में R16 के रिम्स देखने को मिलेंगे, 205/60 के टायर्स के साथ में। वहीं आपको इस बार ब्रेज़ा में रिक्वेस्ट सेंसर्स, की फोब जैसे फंक्शंस, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको VXI से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि पिछली बार आपको ZXI से मिलना स्टार्ट होती थी। इस बार VXI में भी ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करें ब्रेज़ा के फ्रंट लुक की तो फ्रंट में आपको ट्विन प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, जैसे कि आप टॉप वेरिएंट्स में भी देखते हैं। क्रोम इंसर्ट्स आपको मिल जाएगी, जो कि आईब्रो जैसा देखेगा आपको, जैसे कि आप आईब्रो स्कॉर्पियो में देखते हैं उसी की कॉपी यहाँ पर करी गई है। फॉग लाइट यूनिट आपको मिलेगी, लेकिन फॉग लैंप आपको नहीं मिलेंगे VXI वेरिएंट में। फ्रंट में क्रोम ग्रिल आप देखते हैं, जो कि आपको सेम एज इट इज़ टॉप वेरिएंट की तरह लगेगी। फ्रंट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा टॉप वेरिएंट में से, सिर्फ आपको फॉग लाइट अवेलेबल नहीं है। साइड में आपको साइड क्लैडिंग मिल जाएगी, की फोब कुछ इस तरह मिलेगा आपको, जो कि पहले ZXI में मिलता था, अभी VXI में भी आपको ये अवेलेबल कराया गया है। बात करें ORVMs की तो ORVMs पर भी आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि एक बढ़िया चेंज देखने को मिल जाता है VXI वेरिएंट में। बात करें ड्राइवर डोर की तो ऑल ब्लैक डोर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में बात करें बॉटल होल्डर और पॉकेट की तो 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में स्पीकर और पावर विंडो कंट्रोल्स देखने को आपको मिल जाएंगे। ORVMs आपको फोल्डेबल फंक्शन के साथ साथ ही एडजस्टेबल का भी ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट रो सीट्स की बात करें तो ड्राइवर साइड सीट आपको 6-way एडजस्टेबल के साथ में देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में 4-way एडजस्टेबल आपको को पैसेंजर। यहाँ पर आपको ORVMs कंट्रोल और पुश स्टार्ट बटन मिलेगा। पुश स्टार्ट बटन भी एक बढ़िया टच दिया गया है, जो कि पहले VXI में या VDI जिसे कहते थे उसमें नहीं होता था, अभी आपको VXI से ही पुश स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा। बात करें इंटीरियर लुक्स की तो इंटीरियर लुक्स काफ़ी हद तक वैसे ही हैं जैसे आपको पहले ब्रेज़ा में देखने को मिलते थे। सिल्वर इंसर्ट आपको मिल जाएंगे। वहीं VXI में इस बार आपको स्टेयरिंग व्हील पर कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, जो कि पहले VXI या VDI में आपको नहीं मिला करते थे, इस बार आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी फील एंड फीडबैक की बात करें तो आपको टिल्ट का ही फंक्शन इसमें मिलेगा, बाकी काफ़ी लाइट स्टेयरिंग व्हील ब्रेज़ा का है। बात करें इसके MID की तो MID आपको सेम एज इट इज़ जैसे पहले मिलती थी वैसे ही मिलने वाली है, कोई आपको इसमें एडिशनल या अलग से फीचर नहीं दिया गया। एक तरफ टैकोमीटर, दूसरी तरफ स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। छोटा सा MID आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्प्ले करेगा टाइम, डिस्टेंस टू MT, रियल टाइम माइलेज, 2 ट्रिप मीटर,
ओडोमीटर जैसे फंक्शंस यहाँ पर आपको डिस्प्ले किए जाएंगे, साथ ही साथ में एक तरफ फ्यूल गेज और एक तरफ आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और सारी बेसिक नीड्स के हिसाब से इसको बनाया गया है। दो दो तरफ आपको टॉगल्स मिल जाएंगे और ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिल्वर फिनिश आपको मिल जाएगी डैशबोर्ड में। वहीं बात करें इसके म्यूज़िक सिस्टम की, तो आपको टू डिन नॉर्मल सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि सपोर्ट करेगा USB, AUX, AM/FM, ब्लूटूथ जैसे फंक्शंस को। और आपको इसमें CD प्लेयर के साथ साथ 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। इस बार जो बढ़िया चेंज किया गया है वो है ऑटो AC का। आपको इस बार ऑटो AC भी मिलने वाला है इसमें। नीचे उसके 12 वोल्ट पावर सॉकेट और USB AUX के पोर्ट्स मिल जाएंगे। इससे पहले VDI में आपको नहीं मिलता था ऑटो AC। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, 2 कप होल्डर और पीछे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपको। AC वेंट्स नहीं मिलेंगे। क्रोम टिप आपको देखने को मिलेगी। बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो दो ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही नॉर्मल मिलते हैं आपको। किसी में भी आपको कूलिंग फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल काफ़ी नीट एंड टाइडी बनाया गया है। यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर डे नाइट फंक्शन के साथ में, सनशेड पर आपको वैनिटी मिरर को पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड पे आपको टिकट होल्डर, सनग्लास होल्डर वगैरह, आपको सारी चीज़ें टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेंगी। इसमें आपको वो अवेलेबल नहीं कराया गया है। रियर व्यू कैमरा आपको लगाया गया है, वो एडिशनल है, पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है। इसको आप MGA या फिर बाहर से लगवा सकते हैं। सेंसर्स आपको मिलेंगे, कैमरा अवेलेबल नहीं है इस वेरिएंट में। ZXI अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको ZXI+ में अवेलेबल कराया गया है कैमरा भी। चलिए अब रियर सीट्स पर आपको ले चलते हैं। रियर सीट्स पे कितनी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं वो देख लेते हैं। बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की VXI वेरिएंट के, तो डुअल एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक जैसे फंक्शंस मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ में स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक भी मिलेगा आपको। रियर में भी आपको बॉटल होल्डर अवेलेबल कराया गया है काफ़ी बड़े साइज़ का, जिसमें आप बॉटल के साथ साथ में पॉकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे रियर में भी। अब चलिए अंदर चलते हैं, आपको स्पेस और कंफर्ट दिखा देते हैं कि नई ब्रेज़ा में आपको कितना स्पेस और कंफर्ट मिलता है। तो कुछ इस तरह से दिखता है ब्रेज़ा VXI का आपको डैशबोर्ड। बीच में कैबिन लैंप दी गई है थेटर डिमिंग फंक्शन के साथ में। ग्रैब हैंडल्स पर आपको कोट हुक्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल बात करें स्पेस की, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा। 3 लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नी रूम, हेड रूम, शोल्डर रूम बहुत ही बढ़िया दिया गया है। 6 फीट से भी ज़्यादा के 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं पीछे। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सीट कवर लगे हुए हैं, उसके अंदर पे आपको पीछे एक लगेज हुक मिल जाएगा ड्राइवर सीट के पीछे। अब आपको बूट की तरफ ले चलते हैं। पीछे आपको क्या क्या मिल जाता है VXI वेरिएंट के, तो टेल लाइट आपको LED मिलने वाली है, रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और आपको डिफॉगर भी देखने को मिलेगा। रियर वाइपर वॉशर नहीं मिलेंगे। सेंसर्स मिल जाएंगे, कैमरा आपको एसेसरीज़ के पार्ट में मिल रहा है, क्रोम देखने को मिल जाएगा काफ़ी अच्छा खासा, जिसमें ब्रेज़ा की बैजिंग है। बात करें इसके बूट की, तो बूट आपको 328 लीटर का देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। रियर पार्शल ट्रे भी आपको अवेलेबल कराई जाती है, अभी इसमें नहीं लगी हुई है। यहाँ पर आपको लगेज हुक्स देखने को मिल जाएंगे। लगेज लैंप आपको अवेलेबल नहीं कराई गई है, वो आपको टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, ये भी R16 का ही है। ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस और पहले से बेहतर नई ब्रेज़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस।